सोशल मीडिया के जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज ब्रेकिंग न्यूज शनिवार 26 जून में आप सभी को सादर जय जयेंद्र एक खुशखबरी के साथ। आज हम आपको ले चलते हैं पहले 21 अप्रैल के अपने एपिसोड पर, जहां बताया था कि एक जमीन जो जैन समाज की है सरकारी कागजों में चढ़ी हुई, उसको वक्फ बोर्ड के कागजों में चढ़ा दिया गया है। 1995 के वक्फ बोर्ड एक्ट के अनुसार, यानी जो जमीन उसके एक बार पहुंच गई वापस नहीं आ सकती। और फिर जैन समाज एक हुआ, संतों का आशीर्वाद मिला और एकदम एकता के प्रयास से अब 22 जून को यह खुशखबरी आई है, दो दिन पहले की है, 1929 नंबर नोटिफिकेशन से कि वक्फ बोर्ड से वह जमीन वापस सरकार पे आ गई। 67 सेंस जगह है, बीडू राजा एक बहुत पहले की बात बता रहे हैं, तब यह जैन समाज की जगह थी, लेकिन बीडू राजा के कोई पुत्र ना होने से और वह बाद में दिगंबर से ब्राह्मणों में बदल गया उत्पीड़न के कारण, क्योंकि जहां पर बहुत उत्पीड़न था, बहुत ज्यादा जैन समाज को उस समय तंग किया जा रहा था, धर्म बदलने के लिए आतुर किया जा रहा था, नहीं तो खतरनाक पीड़ाएं दी जा रही थी, उस कारण से बीडू बदल गया ब्राह्मण के रूप में और उसका कोई पुत्र न होने से यह जो जमीन मूड़ बद्री में जानी चाहिए थी वहां की बजाय सरकारी खाते में चली गई और वह सिलसिला चलता रहा। 1965 में एक मुसलमान व्यक्ति आया, शरण के लिए जगह चाहिए थी, समाज दिलदार है जैन समाज का, उन्होंने कहा यहीं रह ले, वो रहने लगा, चार ईंट लगाई, दीवार खड़ी की, फिर एक इमारत बना के इसको विवादित बना दिया अपने जगह का कब्जा करने के लिए। और यह चलते चलते 2020 की बात है, 16 मार्च 2020 को टू बी प्रसाइज यह सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड के पास पहुंच गई और उसका बाकायदा ऑफिशियल गजट निकला 25 जून 2020 को कि यह वक्फ बोर्ड के अंदर 1995 एक्ट के अंदर परमानेंट जैसे उसके पास पहुंच गई। तब जैन समाज हरकत में आया और इस साल अप्रैल के अंदर एकदम अनशन जैसे चढ़ने लगा। और उसकी हरकत यह हुई, जब समाज एक होके चलता है, संतों का आशीर्वाद मिलता है, तो देखिए 2 महीने का आश्वासन मिला और अब 22 जून को वह जगह वक्फ बोर्ड से वापस लेकर वापस सरकारी कागजों में आ गई है, जिसका हम आपको यह दिखा भी रहे हैं, रिपोर्ट यहां पर बार बार दिखाई, नोटिफिकेशन जो यह जारी हुआ है। इस बारे में हमने हमारी पहले भी मूड बद्री के भट्टारी से बात हुई थी, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम पूरी तरह लड़ रहा है, समाज एक होकर लड़ रहा है और अब फिर लड़ रहा है, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद के पात्र होंगे इस कर्नाटक के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अशोक जी और साथ में यहां के स्थानीय MLA योगेश भट्ट जी और साथ में जिला अधिकारी भी, जिन्होंने हमें भी आश्वासन दिया था, हमारी बात हुई थी DM से, उन्होंने कहा था विद इन 2 मंथ्स कोई अनहोनी नहीं हुई तो ये कागज में वापस जगह लेने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद चैनल महालक्ष्मी की ओर से उनको। और हमारी इस बारे में मूड बद्री के भट्टारा जी से फिर बात हुई, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था यह जमीन 2 महीने में मिल जाएगी, जरा सुनते हैं उनसे क्या कहते हैं। आज एक कुछ खबर है, कोडवुर ग्राम का सर्वे नंबर 53/6 उड़पी तालुक उड़पी जिला दक्षिण कन्नड़ जिला के पास मूड बिंद्री से 60 किलोमीटर दूर पे 67 सेंट्स जगह अन्य मतीय समुदाय को 2 साल पहले और इससे बाद DC ने मंजूर किया था, उसके ऊपर आक्रोश व्यक्त किया और सारे हिंदू समुदाय और अन्य समुदाय भी, वो जैन मंदिर है उसको दूसरा समुदाय को बिना पूछ के देना वो गलत है करके बहुत आक्रोश व्यक्त किए थे। अभी कर्नाटक सरकार का DC उस स्थितिगति को रिपोर्ट करके वापस June 22 को सरकार का अधिसूचन के गजेटियर में वो सरकार का नाम में कर दिया है और अन्य समुदाय का जमीन सिफारिश वो कैंसिल कर दिया है। इसीलिए हमने कर्नाटक सरकार का मान्य मुख्यमंत्री महोदय और होम मिनिस्टर अशोक जी और यहाँ का विधायक उड़पी का योगेश भट्ट और वहाँ स्थानीय समुदाय का, हिंदू समुदाय का और सभी समुदाय का कौन कौन इसका सपोर्ट किया है उन लोगों के लिए, और दक्षिण भारत जैन सभा हो, दिगंबर जैन महासभा हो, तीर्थ क्षेत्र समिति हो, महासमिति हो, महालक्ष्मी पत्रिका हो, और सब लोगों के लिए हमने बधाई देना चाहते हैं। आगे की कार्यवाही के लिए हम आज कुछ नहीं बताना चाहते हैं, सबके लिए मंगल हो,
बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जगह वापिस बकबोर से जैन समाज को अभी मिलने में थोड़ी देर है, क्योंकि सरकारी कागजों से निकालकर अपने पास लाना है, इसलिए लड़ाई अभी जारी रहेगी। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।